हरे कृष्ण। देवती माता अपने पुत्र कपिल से प्रार्थना कर रही है। श्लोक संख्या 7-8 हम लोग देखा है। माता देवती अपने पुत्र को बोलते, आप साक्षात भगवान हो, इस भौतिक अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य के समान आप प्रकट हुए। और इस श्लोक में, नए श्लोक में क्या बता रहे हैं, आप मूल भगवान, यह आद्यो भगवान उमसाम ईश्वरो वै भगवान की लोकस्य तमसांदस्य चक्षु सूर्य विवर्तिता। इसमें आप मूल भगवान है करके, अरे साक्षात भगवान कृष्ण ही कपिल के रूप में अवतार। अभी हम लोग भौतिक दुनिया में देखते हैं भगवान कौन है, तो भगवान कौन है करके बोले तो 33 कोटी देवी देवताओं को सबको भगवान है, भगवान को भगवान मानते हैं। भगवान कौन है ये इस भौतिक अंधकार में फंसे हुए लोगों को मालूम ही नहीं। इधर भगवान भगवदगीता में भगवान बताते नित्यो नित्यान्मा चेतनस चेतनाना। भगवान कौन है, शाश्वत है, नित्य है, नित्यम स्थान और अचलम सनातन। भगवान भगवदगीता में बता नित्यो नित्याना, नित्य अरे जीव जो है भौतिक जीव जो है वो शाश्वत है, नित्य है। भगवान नित्य है इसके लिए जीव भी शाश्वत है, नित्य। भगवदगीता का मैं बता ये सब जीव मेरे सनातन अंश है। भगवान बोलते मेरे साथ ही ये सब जीव उत्पन्न हुआ है, मेरे सनातन अंश। भौतिक दुनिया में आके क्या करता है, उसका ऊपर का शरीर बदल। भगवत गीता में भगवान बताते हैं देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति दीर्घस्तरण मुह्यते। फिर ये शरीर क्षण 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 में बदलता है और एक दिन ये शरीर नाश हो जाता है, फिर उसको दूसरा शरीर, उसके कर्म के अनुसार उसको दूसरा शरीर प्राप्त होता है। आसाम सी जीर्णानी यथाव यहाँ बताए ना, ये जो शरीर है वस्त्र के समान वो जीर्ण होते हैं, उसको बदल के हम लोग दूसरे कपड़े पहनते, वैसे ही आत्मा एक शरीर में आते हैं तो वो उस शरीर में रहने के बाद उस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं। आत्मा शाश्वत है, भगवान भी शाश्वत, नित्यो नित्याना चेतनस चेतनाना। भगवान नित्य है, हम लोग भी नित्य है, भगवान चेतन है, हम लोग भी चेतन है। भगवान का एक गुण बता रहे, भगवान सत चित आनंद, ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधिर गोविंद सर्व कारण कारण, सभी कारणों के कारण ईश्वर है। भगवान सत्य है, हम भी सत्य है, भगवान चित है, हम भी चित है, भगवान आनंद है, हम भी आनंद। पर कैसे कैसे हमारा अंतर है जानेंगे भगवान में और हमारे में। भगवान विभू है, भगवान पूर्ण है, और हम लोग कौन है, ये कण है, उनका ये अंश अणु। भगवान पूर्ण है और भगवान का एक अंश कण। मूर्ख भौतिकवादी लोग भगवान का अस्तित्व को मानते नहीं, भगवान नहीं है, अचानक बॉम्ब स्फोट हो गया और ये सब ब्रह्मांड की सृष्टि हो गई। इधर वेद में शास्त्र में बराबर प्रमाण के साथ लिखा हुआ है, अगर जो भी वस्तु घटित करना है, अगर एक अभी हम लोग देखते हैं भारत में स्वातंत्र प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने कितना सत्याग्रह किया, वो लीडर है, लीडर के साथ सब मिलके उसको साथ लेके उसका आज्ञा के अनुसार सब लोगों ने सत्याग्रह किया और स्वातंत्र प्राप्त। इसी प्रकार इस ब्रह्मांड का जो निर्माता कौन है, भगवान है, और भगवान के अंदर सभी देवी देवता सभी लोग उसके सेवा में रहे। मूर्ख लोग ये मानते नहीं, अपने आप ब्रह्मांड की सृष्टि हो गई। हर एक कार्य करने के लिए हम लोग को एक
संगठन चाहिए, उसमें एक लीडर चाहिए, वो लीडर के अनुसार ही हम लोग काम करें। लीडर के बिना कुछ काम नहीं कर सकते, लीडर के बिना हम लोग को मार्गदर्शन कौन करेगा। एक सत्संग मेरे ना कोई किसी इसमें एक मेन लीडर है। इसी प्रकार हम लोग देखते कि भौतिक दुनिया में अनेक 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 जीव है, अनेक जीव है, फिर जीवों के ऊपर कौन है, उसके ऊपर देवता है, और सभी देवताओं से भी सबसे प्रथम प्रथम जीव कौन है, ब्रह्मा जी है। ब्रह्मा जी भी स्वतंत्र नहीं है। जब भी ब्रह्मा जी का गर्भोदकशायी विष्णु के नाभि से कमल के ऊपर भगवान ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, तभी वो ऊपर नीचे घूम रहे, कुछ मालूम नहीं पड़ा। जब भी उनके हृदय में भगवान ने आदेश देते, जब भी भगवान ब्रह्मा जी के हृदय में आदेश देने के बाद ही ब्रह्मा जी सब चालू कुल शुरू करते, सृष्टि रचना करते। उसके पहले ब्रह्मा जी भी कुछ नहीं कर पाते। बद्ध जीव को कौन मार्गदर्शन दिखाने वाले हैं, भगवान, भगवान कृष्ण के अलावा इस ब्रह्मांड में कोई रक्षा करने वाले नहीं। ऐसे देखे तो इस भगवत गीता के बार 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 सभी श्लोक में भगवान बताते, मत्त परतरं नान्यस् किंचित् अस्ति धनंजयः, मेरे मुझे छोड़ के और कोई नहीं, वो मही सबसे पहला हूं। और इधर ब्रह्मा जी भी ब्रह्म संहिता में बोलते हैं, गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजः, गोविंद ही आदि पुरुष है, गोविंद ही आदि पुरुष है, उसका मैं भजन करता हूं। और अर्जुन भगवत कुरुक्षेत्र स्थल में भगवान के साथ थे, तब अर्जुन में क्या बोला है, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान, आप ही परम ब्रह्म है, परम धाम है, आप ही सब कुछ है। ब्रह्मा जी यही बोलते, ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिराज गोविंद सर्वतः, सभी देवी देवता भगवान के शरण में है, भगवान के आज्ञा के अनुसार पालन करते। मगर हम मूर्ख तत्व दार्शनिक तत्ववादी लोग भगवान को मानते नहीं। भगवान क्यों वसुदेव और देवकी के पुत्र रूप में मनुष्य रूप में क्यों आया, भगवान कौन से भी रूप में आ सकते, भगवान अपने इच्छा से जो वसुदेव देवकी वो लोग हजारों बरस तपस्या कर रहे थे अपने पुत्र रूप में, भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए, उसके लिए भगवान उनकी इच्छा पूरा करने के लिए पुत्र रूप में अवतार लेते, जन्म लेते, पुत्र रूप में जन्म लेते हैं और पूरा ब्रह्मांड के अंदर ही उनका सब हम लोग लीला देख सकते हैं। पूरा ब्रह्मांड के जब ये पूरा ब्रह्मांड का रचयिता यशोदा मैया के गोदी में छोटा बेबी छोटा बच्चे बन के उनके गोद में उनका स्तनपान कर रहे, और यशोदा मैया अपने पुत्र को ऐसे प्यार करती थी, यानी वो नीचे उसको रेंगते जाएगा तो अरे उसको कुछ ये होएगा, कुछ लगेगा, कुछ काटेगा करके, हमेशा अपने आंखों के पुतले के जैसे भगवान की रक्षा करती थी, उनका देखभाल करती थी, उनका रक्षा करती थी। यही भगवान त्रिलोकीनाथ ब्रह्मांड के पूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, ब्रह्मांड का स्वामी है, और यशोदा मैया के गोद में एक साधारण शिशु के भांति लीला कर, एक वैष्णव सिद्धांत है जो पूरा ब्रह्मांड के रचयिता, ब्रह्मांड का अपने हाथ में रखा हुआ हो और सभी जीवों को नचाने वाला भगवान यशोदा मैया के गोदी में रो रहे, भूख लगता है,
प्यास लगता है करके रो रहे। जब तृणवर्ता राक्षस भवंडर के रूप में आया और भगवान को उठा के लेके गए, तो यशोदा मैया इतना रोती है, मेरा कान्हा मेरा कान्हा मेरा कान्हा करके रोती है। फिर जब भगवान तृणवर्ता राक्षस को इतना भारी और कंधे पे उठाया था, उतना भारी बना दिया भगवान उसको, ऐसे उनको नीचे लाके पटका के मार दिए भगवान छोटे शिशु। तो यशोदा मैया भाग के उसको उठाती, मेरे लाला ये देवी देवताओं से प्रार्थना करती, मेरे लाला का रक्षा करो, मेरे भगवान का रक्षा करो, मैं भगवान का रक्षा करो। वो अपने बच्चे को मेरे अपने पुत्र के रूप में ही जानती थी। अगर वो उसको भगवान के रूप में मानती थी तो वो ऐसे प्यार नहीं कर सकती थी, वो अपने पुत्र रूप में ही मानती थी। ऐसे ही भगवान अपने भक्तों से सेवा लेने के लिए 5 प्रकार से भक्तों से सेवा करते, सेवा लेते, उनको अपने भक्तों से सेवा लेना बहुत पसंद है। अभी भी हम लोग जगन्नाथपुरी में जाए तो देखते हो भक्तों के साथ कैसे कैसे उनसे बात करते हैं, उनसे सेवा करते हैं। इधर भगवत गीता में हम लोग देखते हैं भगवान और जीवों के बीच 5 प्रकार का संबंध भक्तों के बीच, शांत, दास्य, साक्ष्य, वात्सल्य और माधुर्य। ये 5 रसों से भगवान अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान, प्रेम के आदान प्रदान, भक्तों के बीच, भक्तों और भगवान के बीच का प्रेम का आदान प्रदान। शांत रस, शांत रस में जो भगवान का भक्त है, जो भगवान का सुंदर रूप कर देखे, भगवान का स्तुति कर, शांत। और भी ऊपर शांत रस के बाद कौन सा रस आता है? अस्य माता जी शांत रस है ना। इधर हम लोग देखते भागवत में शांत रस का कौन सा आता है, हम लोग देखते हैं भगवान के छत्र चावर, भगवान का जो चीज और वृंदावन का पेड़ पौधे सब शांत रस में है। शांत रस के बाद आता है दास्य रस। दास्य ने वो ऊपर और भी बड़ा श्रेष्ठ भक्त है, वो समझ लेता है अरे भगवान का सेवा करना है, जब भगवान का सुंदर रूप है, भगवान का अर्चा वगैरह का सेवा करना है, वो सेवा करता है दास्य रस। हम लोग देखते दास्य रस सभी भगवान की सेवा कर रहे, साक्ष्य रस और भगवान के साथ ऐसे मित्रता करते हैं, अर्जुन किस तरह मित्रता से भगवान को जान लिया, उसी तरह जीव और भगवान के बीच में साक्ष्य रस होता है। साक्ष्य रस के बाद और भी ऊपर स्तर पे उठते हैं तो वात्सल्य रस, भगवान को अपने पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहते हैं और भगवान को अपने पुत्र रूप में प्यार करते हैं। यशोदा मैया उनका लग देखते हैं। और उससे भी टॉप है कौन सा है? माधुर्य, 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 माधुर्य सबसे टॉप भाव है। वो भगवान को अपने पति के रूप में, भगवान अपने पति के रूप में 5 रसों में भगवान अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। ये हम लोग भागवतम के माध्यम से हम लोग जान लेते हैं। और भगवान ये भी बता रहे मुझे समझने के लिए 3 स्थिति है, 3 विधि है। पहले क्या, भगवान को आकार नहीं है, भगवान नहीं बोलते ना, क्या भगवान गोल है। हम लोग सूर्य का उदाहरण देके भगवत गीता में बताया, भगवान को सूर्य कैसा है, सूर्य ने गोल है। फिर और थोड़े बड़े हुए ज्ञानी क्या बोलते हैं, सूर्य से प्रकाश निकलता है, सूर्य क्या है, सूर्य से प्रकाश निकलता है। और तीसरा है क्या, वो सूर्य मंडल में प्रवेश करके उधर देखता है, और सूर्य नारायण है, रथ में बैठ के पूरा ब्रह्मांड में प्रकाश फैलाता है। 3 वैसे ही ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति, ये 3 कैटेगरी, 3 कैटेगरी से भगवान को जान सकते हैं। तीनों भगवान के ही जानने वाले हैं, मगर उन लोग का तरीका अलग अलग। जो ब्रह्मेति यानी भगवान निराकार है,
भगवान को आकार नहीं, ये मायावादी लोग मतलब समझते ना, भगवान खाते नहीं पीते नहीं, भगवान का आकार नहीं समझते, भगवान है मगर आकार नहीं। और दूसरा कैटेगरी के है भगवान सभी के अंदर परमात्मा रूप में है, वो दिखते नहीं, अंदर ही परमात्मा रूप में। और तीसरा कौन है, भक्त है। भक्त भगवान का सुंदर रूप को देखा हुआ रहता है, वो भगवान का सुंदर, भगवान को बोलता है आपका ये प्रकाश से जो अपने ढका हुआ रूप को हटाओ, मुझे आपका सुंदर रूप देखना है। भगवान का एक प्रकाश को हटाओ करके भगवान से प्रार्थना करते, तभी भगवान अपना प्रकाश हटा के उनके सुंदर रूप को भगवान दिखाते। जब ही जो एक भगवान का एक भगवान रूप को जान लेता है, भगवान को समझ लेता है, भगवान को जान लेता है, वो अपने आप ब्रह्मेति परमात्मेति भी उसके साथ आ जाते हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति पूर्ण भगवत धाम तक नहीं पहुंचते, जो भगवान को जो भगवान के रूप में जो मानते हैं वो पूर्ण ज्ञानी है, तो पूर्ण भगवत भगवत धाम को पहुंचा हुआ। और बाकी दोनों भगवान का ब्रह्मेति परमात्मेति समझने वाले क्यों है, वो भगवान के धाम तक नहीं पहुंचते, वो लोग भगवान के बाहर का चकाचौंध में ही लगे रहते। इस तरह भगवत गीता में भगवान ने समझाया। भगवान को इधर तिरुहुति माता भी वही बोल रही, यह आद्यो भगवान इंसान ईश्वरों वही भगवान, आप ईश्वर है, परम ईश्वर है। इस भौतिक अंधकार को दूर करने के लिए आप आए हुए हो। हम बद्ध जीवों को इधर भगवत गीता 7th चैप्टर में भगवान बताए, जो भगवान को मानता नहीं, भगवान है ही समझता है, भगवान को मानता नहीं, वो कौन है, मूढ़ा बोला। चार प्रकार के लोग है ना, कौन सा है चार प्रकार के लोग? माता जी, मूढ़ा, अधम, नराधम और असुर, समथिंग असुर से कुछ है माता जी, असुर आश्रय से कुछ करके। मूढ़ा, नराधम, माया, अपरक्षियो, ये लोग मूढ़ है, ये लोग बहुत पढ़े लिखे है, यूनिवर्सिटी में जाके डबल ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, सब 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 डिग्री हासिल किए, मगर माया के द्वारा उनका ज्ञान हर लिया गया। जो जो मेन ज्ञान है, हम कौन है, भगवान कौन है, हमारा और भगवान के साथ क्या संबंध है, ये नहीं जानते, सिर्फ पढ़े लिखे है, अपने आप को पढ़े लिखे मानते हैं। इन इन लोगों को भगवान ने क्या बोला, मूढ़ा बोला। मूढ़ा, हम लोग पिछले इसमें ये बताए थे ना, भगवान विष्णु के भक्त देवता और देवी देवताओं को पूजा करने वाला असुर, असुर में ऐसा राक्षस जैसे रहने वाले नहीं है, उनके अंदर जो भाव रहता है ईर्ष्या भाव रहता है, द्वेष, ऐसा ईर्ष्या भाव रहता है, इसके लिए उनको असुर के अंदर जो भाव रहते हैं वो भाव रहते हैं, इसके लिए उनको असुर बोलते हैं। भगवान इधर बता रहे 7th चैप्टर में भगवान बता रहे कौन है आसुरी भाव माचिता, क्योंकि माया के द्वारा उनका ज्ञान ढक गया है, भगवान कौन है उसको जानने के लिए तैयार नहीं है, मगर भगवान है नहीं मानते, कौन भगवान है, कौन भगवान है, उनका क्या है, मैं भी भगवान हूँ, आप भी भगवान हो, सब लोग भगवान, भगवान रास्ते भी घूम रहे, भगवान सब लोग भगवान है, मूर्ख लोग ऐसे जानते। इधर इन लोगों को ही भगवान ने क्या बोला, नराधम, मनुष्य में एकदम पतित, नीच नीच जीव, नराधम, नरों में अधम, एकदम नीच श्रेणी के मनुष्य जीवन ही हम लोग को क्यों मिला है, मनुष्य जीवन हम लोग को भगवान को जानने के लिए, भगवान के बारे में समझने के लिए और भगवत धाम जाने के लिए, वापस लौटने के लिए हम लोग को मनुष्य शरीर मिला। और इस मेन ज्ञान को ही इन नराधम लोग उसको हटा देते,
और खुद को अपने आप को भगवान है। अभी हम लोग देख सकते हैं, हमने पिछले हमारे दादा परदादा वो लोग कितने ताकतवान थे, उनका मेमोरी कैसा था, उनका दृष्टि कैसा था, वो हम लोग देख सकते हैं उन लोगों का किस तरह वो लोगों का आचरण था। ये धीरे 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 कलयुग में आते वक्त क्या हो गया, अभी हम लोग देखते हैं एक छोटे छोटे बच्चों में भी देखते हैं हम लोग सबके मेमोरी, पूरा मेमोरी लॉस गया है, ताकत क्षीण हो गया, बुद्धि कम हो गया। चेक इसके लिए कलयुग के इसमें वर्णन है ना, कलयुग के लोग मंद बुद्धि, हतभागी, उपद्रवी, इसे लक्षण है। इसे धीरे 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 इन लोग का आयु घट गया, ताकत घट गया, बुद्धि सब 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 क्षीण हो रहा है, इस कलयुग के प्रभाव के वजह से क्षीण हो गया। इसके वजह से वो लोग भगवान के बारे में जानना भी वो लोग भूल रहे, भगवान कौन है, माता पिता को ही कौन भगवान मालूम नहीं, तो बच्चों को क्या सिखाए हम लोग। कहने बचपन में एक ये सीखे थे, ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, ऑल क्रीचर ग्रेट एंड स्मॉल, ऑल थिंग्स वाइज एंड वंडरफुल, द लॉर्ड गॉड मेड देम ऑल। वो सिखाते प्रेयर, पर कौन उसके पीछे कौन है, कौन ये सब कर, सुंदर सुंदर फूल, सुंदर सुंदर पक्षी, इतने सारे मट्टी में, काले मट्टी में बोया हुआ बीज से कितना अनाज उगता है, और गंगा नदी के किनारे वृक्ष का, आम के वृक्ष के अंदर इतना भरा मधुर रस से भरा आम होता है, और उधर ही बाजू में नीम का पेड़ रहता है, उसमें सब कड़वा रहता है। ये हम लोग देख रहे हैं ना, सब हम लोग आंखों से देख रहे हैं, हम लोग इसके पीछे क्या है, कौन है, कोई है बिना कुछ नहीं हम लोग कर सकते ना। भगवान क्या बोल रहे हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचर, मेरे अध्यक्षता में ही प्रकृति काम करती है, प्रकृति का कुछ स्वतंत्रता नहीं है मेरे अध्यक्षता में। इस सब जो हम लोग जानेंगे, हम लोग बारीक से है, जो हम लोग समझते कितने हम लोग मूर्ख हैं, जो जानना चाहिए जो हम लोगों के लिए अच्छा है उसको हम लोग छोड़ के जो नहीं चाहिए उसके पीछे भाग रहे हैं। इस श्लोक में देवहूति वही बता रही है, अंधकार से आप अपने अंधकार से बाहर निकालने के लिए आए हैं, साक्षात भगवान हो आप, मूल भगवान कृष्ण है, सूर्य के समान आप आके हमारे अंकों को खुला कर। इधर हम लोग तात्पर्य में देखा है, आंख है हम लोग को, आंख है, पर आंख अगर प्रकाश, सूर्य प्रकाश नहीं है तो आंख का क्या उपयोग, आंख रह के भी कुछ उपयोग नहीं, भगवान के द्वारा प्रकट सूर्य प्रकाश है, इसके लिए तो देख सकते। इधर देवहूति माता वही बताती है, आप अंधकार में सूर्य के समान प्रकट हुए और सभी जीवों को अंधकार हटाने के लिए आप प्रकट हुए करके देवहूति माता प्रार्थना करते कपिल, भगवान कपिल से, हरे कृष्णा से।